वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सिक्स नाइन फोन है, फोन में खोल लो आप या रिपीट कर लो। सोहित मित्रारी उदासीना मध्यस्थ द्वेषय बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। भगवान कह रहे हैं जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों ये फोन किसका है, प्रिय मित्रों तटस्थों क्या होता है, न्यूट्रल व्यक्ति, ईर्ष्यालुओं शत्रुओं और मित्रों पुण्य आत्माओं और पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी एडवांस्ड माना जाता है, उन्नत माना जाता है भक्ति में। पॉइंट यह है कि आई जस्ट मैं इसको एक बैकग्राउंड दे देता हूं क्या चल रहा है। श्रीला प्रभुपाद की जय। ये बैकग्राउंड है। कौन है, माधव है क्या, इसको क्या हो गया? सो बैकग्राउंड यह है कि भगवान बात कर रहे हैं यहां पर कि जो भक्ति में एडवांस्ड होता है, जो भक्ति जिसने अपने मन को जीत लिया है, ऑफकोर्स हम भक्ति 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 का लक्ष्य क्या है, अपने मन को जीतना, एक लक्ष्य, गौण लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य है कि मन को क्यों जीतना है, कि भगवान में स्थिर हो जाए। अगर मन को आप जीतोगे नहीं तो भगवान में लगाओगे क्या, फिर तो आप चैंटिंग करोगे मन भागता रहेगा, या भगवान के पूजा करोगे मन इधर उधर भागता रहेगा, तो मन स्थिर तो होना ही चाहिए ना। तो भगवान की भक्ति करने से मन स्थिर हो जाता है, जिस प्रकार एक घड़े में रखा हुआ पानी स्थिर हो जाता है उसी प्रकार भक्ति करते करते मन स्थिर हो जाएगा भगवान के चरणों में, उनके नाम में। और जब मन स्थिर हो जाएगा तो फिर भगवान में लग जाएगा, और जब भगवान में जब मन लग जाता है तो जिसका मन भगवान में लगता है उसके लक्षण क्या है, भगवान ये बता रहे हैं यहां पर बस। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हमें भी तो जानना पड़ेगा कि हमारा मन भगवान में लग गया नहीं लग गया, है नहीं, क्योंकि कभी कभी मन लगता है, कभी कभी भाग जाता है। सो हमारा मन असली में भगवान में स्थिर हो गया है नहीं, हमें कैसे पता लगेगा, सिम्टम्स क्या है उसके। तो जैसे बीमारी के लक्षण होते हैं उसी प्रकार भक्ति में आगे बढ़ने के भी लक्षण होते हैं। सो भगवान क्या कह रहे हैं, थीम यहां पर ये चल रही है, कृष्णा एक चीज कह रहे हैं, जिसका मन भगवान में लग गया बहुत सारी बातें हैं, मगर एक अगर शब्द में सबको समराइज करना चाहे, एक शब्द में है, जिसका मन भगवान में लग जाता है वो कभी भी किसी भी स्थिति में डिस्टर्ब नहीं होता, बस ये। और उसकी एक्सप्लेनेशन चल रही है, किसी भी स्थिति में वो डिस्टर्ब नहीं होगा, चाहे बड़ी से बड़ी चीज हो जाए उसकी लाइफ में, डिस्टर्ब कैसे कहेंगे, अधीर, विचलित, या वो नहीं होगा, चाहे उसकी लाइफ में बड़े से बड़ा दुख क्यों ना आ जाए। जैसे पांडवों की लाइफ में इतने बड़े बड़े दुख आए, विचलित नहीं हुए वो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम। अब ये जो ये विचलित ना होना ये बहुत बड़ी बात है, साधारण मनुष्य नहीं कर पाता ये, साधारण मनुष्य तो दुख में तो सभी विचलित होते हैं, सुख में भी विचलित हो जाता है साधारण मनुष्य तो। कभी 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 पता क्या होता है, मतलब कभी कभी आदमी दुख से तो हार्ट अटैक होता ही है डिप्रेशन में, कभी कभी सुख से भी हार्ट अटैक हो जाता है, सब पता है लो आपको, कुछ लोगों को ऐसे कई हिस्ट्री में इंसिडेंसेज हैं कि उसको पता लगा कि उसकी लॉटरी खुल गई 5 करोड़ की, सुन के हार्ट अटैक हो गया उसको, मर गया। इट हैपन्स लाइक दैट। सो कभी कभी बहुत खुशी में भी आदमी मर जाता है,
या कभी कभी ऐसे ऐसे भी इंसिडेंसेस हैं हिस्ट्री में कि कभी कभी कुछ लोगों ने बहुत ही सुंदर स्त्री देखी और वो हार्ट अटैक हो गया, उसको मर गया, वो हैंडल ही नहीं कर पाया उस चीज को, ऐसे भी है केसेस। सो एक्सट्रीम हैप्पीनेस, और उसमें भी आदमी विचलित हो जाता है। या मान ऑनर में किसी को प्रेस करो, आदमी विचलित हो जाता है उसमें, है नहीं, विचलित हो जाता है, उसको अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी प्रेस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, उसके तो एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएंगे, है नहीं। वर एक जो डिवोटी है ही डसन, तो भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर, कृष्ण एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उसके। सुहित मित्र अरी, भगवान कह रहे हैं कि एक भक्त के लिए भक्त इन सबको समान भाव से देखता है, एक मित्र को और एक दुश्मन को। अरी मतलब होता है दुश्मन, मित्र मतलब मित्र, सुहित मतलब जो कि ऐसा मित्र जो हमारी मुश्किलों में मदद करता है, सुहित वेल विशर। सो मित्र और दुश्मन को समान रूप से देखता है, इसका मतलब क्या कोई बताएगा? एक डिवोटी मित्र और दुश्मन को समान रूप से, पहले बात तो इसका मतलब क्या होता है, और दूसरी बात है कि वो समान रूप से देखता कैसे है, तो क्या मतलब है, भगवान क्या कहना चाहते हैं कि अगर दुश्मन आएगा तो क्या उसको गले लगाओगे, वो तो चक्कू घोंप देगा आपके अंदर, और क्या करेंगे गले लगाओगे आप। सो समान रूप से देखने का मतलब क्या है मित्र और दुश्मन को, मतलब अगर ये फिलॉसफी आ जाएगी तो इतने बड़े बड़े राजा, वैष्णव राजा हुए हैं, भक्त हुए, इतने बड़े बड़े राजा, तो इस सिद्धांत से तो कोई राजा बन ही नहीं सकता, क्योंकि दुश्मन भी तो होंगे आसपास के स्टेट्स वाले, वो अटैक करेंगे तो वो क्या करेगा, कहेगा भाई गीता में तो कहा है मित्र और दुश्मन को समान देखना चाहिए, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे, सब मारे जाएंगे। सो भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्या कहते हो, क्या मतलब है इसका, क्या हो गया, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? ओके, ये ठीक है, उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए, बट दैट्स ओके। ओके दैट्स, तो इस ये जो है ना समान रूप से देखना, इसको एक्सप्लेन करना है तो दो लेवल पे एक्सप्लेनेशन होगी इसकी। समान रूप से देखने का मतलब क्या है, एक धर्म की दृष्टि से, एक भक्ति की दृष्टि से, समझे? तो धर्म की दृष्टि से मतलब क्या है इसका, समान रूप से देखने का मतलब क्या है कि वो मित्र पे भी कृपा करेगा और शत्रु पे भी कृपा करेगा। वो शत्रु उससे द्वेष करता है, वो शत्रु से द्वेष नहीं करता। अब वो बातें कृपा करने का ढंग अलग है, ढंग तो अलग ही होगा कृपा करने का, है नहीं? जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे पे कृपा करोगे और एक कुत्ते पे कृपा करोगे, सेम है, ढंग अलग होगा ना, बच्चे पे कैसे कृपा करोगे, है कैसे करोगे? मान लीजिए आप अपने बच्चे को अपने रूम में रखोगे, जो भी उसका देखभाल करोगे, कुत्ते पे कैसे करोगे, रूम में ले आओगे, रोटी दोगे कुत्ते पे, ऐसे गाय पे कृपा करनी तो क्या करोगे, को चारा दोगे गाय, रोटी वोटी तो शायद कम ही खाती, रोटी कम खाती है गाय, कम खाती है। शेर पे कृपा करनी है तो कैसे करोगे? सर्कस वाले में तो शेर, उस पे सर्कस में जो शेर होता है उस पे तो कृपा करता है ना वो ट्रेनी, कैसे करोगे? रोटी तो नहीं दे सकते ना उसको, ना चारा दे सकते हो उसको, तो मीट देना पड़ेगा। सो कृपा करने का ढंग अलग होता है हर एक पे। सो मित्र पे एक भी कृपा करते, समान रूप से देखना मतलब कि एक डिवोटी चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, किसी से द्वेष नहीं करता, सब पे कृपा करेगा। भगवान भी ऐसे ही है, तो मित्र पे कैसे कृपा करेगा? अगर उसका कोई दुख होगा तो उसमें उसकी सहायता करेगा, डिवोटी तो ऐसे ही है ना। या अपने मित्र को बेस्ट या तो कृपा करेगा, तो कृपा कैसे करेगा, उसको उसको भक्ति का उपदेश देगा, यू बिकम डिवोटी, दैट्स ओके। शत्रु पे कैसे कृपा करेगा, शत्रु पे कृपा कैसे करेगा, क्या कहते हो? ओके दैट्स वन थिंग, फॉरगिव, वो चाहे आपसे कितने ही कुछ कर ले आपका एंटी, एक डिवोटी उसको, एक भक्त माफ कर देता है, नहीं? पर कृपा कैसे करेगा उस पर, और
प्रैक्टिकली क्या करेगा शत्रु पे? वेल, भगवान अपने शत्रुओं पे कृपा कैसे करते हैं? दंड देकर। कभी कभी दंड देना भी कृपा होती है नहीं? तो अभी कोई आपको मारने आ रहा है तो क्या करोगे? वो तो शत्रु है, तो आपको उस पर आपको मतलब को हम तो उससे द्वेष नहीं करते। तो हम इस तरह से हो सकता है हम अपने आप अपनी रक्षा करें, रक्षा तो करनी पड़ेगी, मगर हम इस तरह से रक्षा करेंगे कि इससे कम से कम हानि हो उसकी भी और हमारी भी, है नहीं? या हम इस तरह से अपनी रक्षा करेंगे, इस तरह से हम फाइट करेंगे कि और दूसरों की हानि ना हो। सो कृपा करने का ढंग होता है, या हम उसको, या हो सकता है उसको उसको राजा दंड दे, और दंड क्या देगा? तीर्थ यात्रा करके आओ। दैट्स अ गुड आइडिया। पहले वैष्णव राजा दंड यही देते थे, अगर किसी शत्रु को पकड़ते तो वो तीर्थ यात्रा करके आओ, वो दंड होता था, तो वो कृपा ही हो गई एक तरह से, नहीं? सो सब पे कृपा करेगा, दुश्मन भी, जैसे राम भगवान ने बाली पे भी कृपा की है, नहीं? तो बाली को राम भगवान ने स्वयं मारा, वो कृपा ही थी, राम भगवान के हाथ से मारा बाली। मतलब राम भगवान चाहते तो सुग्रीव के हाथों भी मरवा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। राम भगवान ने कहा चलो लेट मी, मैं कुछ कृपा कर दूं इस पे। सो डिवोटी इसलिए शत्रु और मित्र को समान रूप से देखेगा, द्वेष नहीं रखता। दैट्स द होल आइडिया। ये धर्म की दृष्टि से। भक्ति की दृष्टि से क्या है? एक भक्त समान रूप से देखता है मित्र शत्रु को। कहने का मतलब भक्त मित्र को भी समझता है कि वो भगवान का दास है, उसकी आत्मा, वैसे तो सभी भगवान के अंश है ना, और शत्रु भी किसका अंश है? भगवान का अंश है। दैट्स ऑल। उसके लिए शत्रु मित्र तो भारी चीजें हैं, वो पूरी कोशिश करेगा कि उसका शत्रु भी डिवोटी बन जाए, भक्त बन जाए। वो मित्र तो चलो भक्त बन ही जाएगा, शत्रु भी भक्त बन जाए बहुत अच्छा है। एक्चुअली इसकी एक कथा है, मैं बता रहा था, वो ये जो किंग सोलोमन है, सुलेमान कहते हैं, कुरान में सुलेमान है, बाइबल में सोलोमन, तो बहुत बड़े राजा थे। तो एक इजिप्ट में एक तो एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली जो सुलेमान किंग था उसकी बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत बड़े डिवोटी थे। तो भगवान ने सोलोमन राजा को इतना बड़ा राज्य दिया हुआ था कि उन्होंने कहा तुम्हारा राज्य भूतों ना भविष्यति, ना पास्ट में ऐसा होगा ना फ्यूचर में किसी का ऐसे राज्य होगा। उसके राज्य में क्या था, भगवान ने सोलोमन के अंडर सारे सारे जानवर उसकी आर्मी में थे सोलोमन की, क्योंकि भगवान ने अपनी कृपा से सोलोमन को गिफ्ट दिया था कि तुम सारे जानवरों की भाषा समझ पाओगे। सोलोमन को शेर की, चींटी की, सबकी भाषा आती थी। तो उसकी, और भगवान ने कहा कि जो तुम ऑर्डर करोगे करेंगे। तुमने उसकी आर्मी में सारे शेर, हाथी सब थे, सारी पक्षियां भी थी, पक्षियों के भी सब लड़ाई में आते थे, और साथ साथ मनुष्य भी थे, साथ साथ जिन भी थे। जिन समझते हो? जिन वो वाले जिन नहीं, जो जीनी होता है, जिन मतलब होते हैं, मतलब जो भूत प्रेत होते हैं ना, भूत प्रेत, JINN, सारे भूत प्रेत भी थे उसकी आर्मी में। भगवान ने कहा तुम्हारा ऑर्डर्स ये सब फॉलो करेंगे। इतनी बड़ी आर्मी थी, और उसका जो महल था किंग सोलोमन का, वो उसने पानी पे बनाया था, धरती पे नहीं बनाया था, भगवान की कृपा से उसको शक्ति मिली थी। वो सब हुआ। तो एक बार इनकी आर्मी आई सारी, मतलब आप सोचो कितने करोड़ों लोग होंगे उस आर्मी में, है नहीं? मनुष्य भी, सारे जानवर भी, सारे भूत प्रेत, कितने सारे मिलियंस ऑफ लोग होंगे। तो सोलोमन आए वहां, और उन्होंने अपनी आर्मी को देखा, और उन्होंने कहा कि इस पूरी आर्मी में एक पक्षी मिसिंग है, एक पक्षी। मतलब ही हैड सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति इस धरती पे, भगवान ने गिफ्ट किया था इंटेलिजेंस का। तो उन्होंने कहा एक पक्षी कम है यहां पे, और उस पक्षी का नाम था हूपी। कुरान में भी है, हूपी 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 हूपी, पता है ना आपको? हूपी बर्ड नहीं होती, पता नहीं है, गूगल में देख लेना, छोटी सी। तो कह रहे हैं वो मिसिंग है, कहाँ है वो? तो उन्होंने बोला कि इसको बुलाओ, अगर वो नहीं आएगी तो उसको मार देंगे हम, क्योंकि मेरा ऑर्डर है, उसको आना है यहाँ पर।
तो वो फिर भागे भागे आई और फिर उसने सोलोमन से कहा, सोलोमन मैं लेट हो गई मगर मेरे को एक चीज पता है जो तुम्हें नहीं पता। सोलोमन ने कहा ऐसी क्या है, भगवान ने तो मुझे सब कुछ बताया है तो तुम्हें क्या पता है। उसने कहा मुझे, मैं इजिप्ट से आ रही हूँ, इजिप्ट गई थी मैं घूमने, तो बक्षी है ना तो घूम तो कहीं भी सकती है, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वहां पर मैंने देखा कि एक क्वीन है, एक राज्य है जिस जो इसका राज्य कौन कर रहा है, क्वीन कर रही है, लेडी। अब उस वक्त ये कथा हजारों साल पहले वाली बात है, उस वक्त एक लेडी क्वीन एक पूरे किंगडम को चला नहीं सकती, किंग होना चाहिए समझे। एक लेडी एक लीडर बनी हुई है और पूरा उस पूरे इजिप्ट की लीडर है। उन्होंने कहा मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा, मगर उससे ज्यादा अजीब सी बात लगी कि वो लोग क्या करते हैं, जब सूरज उगता है तो प्रणाम करते हैं, जब सूरज अस्त होता है तो प्रणाम करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, सूर्य की। तो इजिप्ट में हमें पता है हिस्टोरिकली सूर्य उपासक होते थे इजिप्ट, इजिप्ट के किंग्स सूर्य उपासक हैं। वहां पे सूरज को क्या बोलते हैं, रा बोलते हैं, जो उनकी लैंग्वेज में सूरज को क्या बोलते हैं, रा। तो वो है, तो सोलोमन ने कहा कि ये तो बहुत बुरी बात है, उनको तो भगवान की पूजा करनी चाहिए, सूर्य चंद्रमा इनकी क्या पूजा कर रहे हैं। तो सुलेमान ने कहा ठीक है मैं उनको चेंज करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुलेमान ने फिर हूपी को कहा ठीक है, मगर सुलेमान इंटेलिजेंट था, उसने कहा तू झूठ तो नहीं बोल रही अपने को बचाने के लिए। तो उसने कहा ठीक है ऐसा करो, ये मैं लेटर लिख के दे रहा हूँ, लेटर लिख के दिया और जाके देख के आओ उसको और फिर हम देखते हैं क्या होता है। तो उस लेटर में लेटर मिला उसको और उस क्वीन का नाम था शीबा, शीबा द क्वीन ऑफ शीबा, ऑफिशियल नाम था, घर का नाम था, ऑफिशियल नाम था किबलिस, किबलिस उसका नाम था। तो वो गए लेटर लेके गई और उसने पढ़ा, उस लेटर में क्या लिखा था, उस लेटर में लिखा था कि तुम भगवान को सरेंडर करो, अपनी सूर्य पूजा ये सब बंद करो, भगवान के सामने सूर्य चंद्रमा वरुण ये सब उनकी कोई कीमत नहीं है, सब बेकार है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपनी पूरी आर्मी लाकर और तुम्हारा तुम्हें तहस नहस कर दूंगा। तो लेटर आ गया, तो शिवा ने कहा कि वैसे सोलोमन बहुत फेमस थे, मतलब ऐसा आदमी तो बहुत फेमस होगा ना पूरे वर्ल्ड में। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो ये क्या करें, तो उसने सारे मिनिस्टर्स को बुलाया, उसने कहा क्या करें, करें तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप ही डिसाइड करो अब क्या करना है। तो उसने कहा वैसे एक बात करते हैं, पहले उनकी आर्मी देखते हैं क्या है, पता तो कराएं कितनी बड़ी आर्मी है, पता लगा हमारी आर्मी उनसे बड़ी है और हम ऐसे ही डर रहे हैं समझे। तो उन्होंने कुछ लोगों को भेजा उनके पास, सोलोमन के पास, गिफ्ट्स के साथ, गिफ्ट्स गिफ्ट्स की जाके गिफ्ट दे के आओ। उन्होंने कहा छुपके से देख लेना कितनी आर्मी है। तो वो लोग गए सारे ऊंट वूट पे, ऊंट वूट चलते थे ना, सारे गिफ्ट्स लेके गए। और जब गए वहां पर तो सोलोमन को पहले ही पता लग गया कि वो आने वाले हैं, उस हूपी ने बता दिया कि ये तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं लोग गिफ्ट लेके। तो सोलोमन ने कहा ठीक है मेरी आर्मी देखना चाहते हैं ना, उसने पहले ही सारी आर्मी अरेंज करके रखी हुई थी। वो लोग आए, उन्होंने देखा आर्मी को, उन्होंने कहा इम्पॉसिबल, ये तो इनसे लड़ना तो असंभव है, इनके तो शेर हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, सारे जानवर हैं, भूत प्रेत भी है, मतलब ये तो कैसे, हम तो कुछ भी नहीं है। वो तो डर गए। और सोलोमन ने कहा तुम अभी बच्चे हो मेरे सामने, और जाके उसको बोल देना अपनी क्वीन को कि ज्यादा अहंकारी ना बने, और अगर वो मेरे पास एक हफ्ते में नहीं आई तो मैं आ रहा हूं, दैट्स ऑल। नाउ यू सी एक पॉइंट है इसमें, जितने भी स्कॉलर्स हैं वो इस पे कमेंट कर रहे हैं कि सोलोमन तो डिवोटी है ना, डिवोटी है तो वो ऐसा क्यों कह रहा है, देख रहे हो आप, अजीब सा नहीं लग रहा। एक डिवोटी होते हुए ठीक है मैं आऊंगा तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मार दूंगा, सरेंडर करो, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि सोलोमन बहुत इंटेलिजेंट था, उसको पता था कि अगर किसी किंग को इंप्रेस कर, वो भी किंग है ना, वो क्वीन तो है ही, लीडर तो है ही, अगर किसी लीडर को इंप्रेस करना है तो लीडर कैसे इंप्रेस होता है, इंप्रेस समझते हो आप लोग, लीडर कैसे इंप्रेस होगा कोई और लीडर भी, मान लीजिए सपोज रूप विलास को इंप्रेस करना है सौरभ को, तो कैसे करेगा, इनके बीच में तो ये अपने को जूनियर दिखाएगा तभी तो इंप्रेस होगा, ये तो दीन बनेगा ना।
जब तक दीन बनेगा तभी तो सौरभ आएगा, इतना अच्छा डिवोटी है, दीन दीन ही है इनके बीच में। मगर आप ध्यान देने वाले थे, सोलोमन किंग है और वो भी वहां की किंग है, क्वीन। तो एक किंग अगर दूसरे किंग को इंप्रेस करना है तो वो कैसे करेंगे? और वो डिवोटी नहीं है बाय द वे, ये डिवोटी है। तब इंप्रेस होते हैं किंग्स। कैसे इंप्रेस होते हैं? अगर उनको पता लगे ना उससे ऊपर भी कोई पावरफुल किंग है तब वो बहुत इंप्रेस होते हैं, समझे? तो इसने यही करा सोलोमन ने। अगर सोलोमन वहां पे दीनहीन बनता तो फिर वो कहती ये तो बेकार राज है, है नहीं? हरे कृष्ण, क्या हो गया? समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो इसलिए सोलोमन ने इस तरह अथॉरिटी दिखाई। तो उसके पास पहुंचा कि भी तुम एक हफ्ते में आ जाओ। तो शीबा बहुत इंप्रेस हो गई क्वीन कि ये किंग बहुत पावरफुल है, कि उसने हम लोगों को सीधा बोल दिया सरेंडर करो वरना मैं आके मार रहा हूं। उसने कहा कि ये किंग होता है नहीं, यू सी द पॉइंट। बड़ी इंप्रेस थी, ये किंग है, वो तो कोई टैक्टिक भी नहीं चल रहा, कुछ भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, सीधा बोल दिया मैं आ रहा हूं, खत्म कर दूंगा तुम्हें। तो इतनी इंप्रेस हो गई। और उसने एक और चीज लिखी थी वहां, उसने लिखा कि देखो भाई तुम सूर्य की पूजा कर रहे हो ना, और तुम्हें क्या मिला है, और मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, मुझे क्या मिला है, और तुम्हारे बंदों ने बताई दिया कि मेरे पास क्या क्या है, मेरी आर्मी में कौन है। तो वो बहुत इंप्रेस हो गए। तो उसके माइंड में डाउट आ गया कि मैं पूजा सही भी कर रही हूं नहीं कर रही हूं, मुझे तो उनके भगवान की पूजा करनी चाहिए, और उसकी वजह से इतना पावरफुल भी है। सो फिर वो एक हफ्ते के अंदर उसने कहा जाना ही पड़ेगा, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, वरना तो मारने आ जाएंगे। तो वो गई वहां, और जब गई वहां तो उसके आने से पहले सोलोमन ने कहा कि इसको किसी तरह भगवान के पास लाना है। आधी तो पहले कन्विंस्ड हो गई थी। तो उसने तो क्वीन जो शीबा थी उसका जो पैलेस था ना, महल बहुत फेमस था, बहुत बड़ा महल था, और थ्रोन जो था, थ्रोन समझते हो जिसे बैठते हैं, दुनिया का बेस्ट थ्रोन था, सारे हीरे जवाहरात लगे थे। तो सोलोमन ने अपने एक भूत को बुलाया, सबको भूतों की मीटिंग करी, उन्होंने कहा कौन वो वहां से उसका पूरा महल उठा के ला सकता है उसके आने से पहले। तो भूतों में जादू होता है ना, जिन में जादू होता है, तो एक जिन ने कहा मैं ला सकता हूं, आप अभी सुबह हो रही है, दोपहर तक वो पूरा महल ही आपके सामने होगा उसके थ्रोन के साथ। तो दूसरे ने कहा कि आपके पलक झपकने से पहले पूरा महल सामने होगा थ्रोन के साथ। तो सोलोमन ने पलक झपकी और सीधा वहीं पूरा महल ही आ गया। और फिर जब शिवा आई वहां पर तो उसने देखा ये तो मेरे महल जैसा लग रहा है, यहां पे कर क्या रहा है, वहां पे फ्लैट हो गई वो, उसने सरेंडर कर दिया। उसने कहा कि ये तो इनके भगवान बहुत पावरफुल है, इसलिए सेलेक्ट टू सरेंडर। पॉइंट मैं बता रहा हूं कि दुश्मन है ना वो, तो दुश्मन थी, बट सोलोमन ने उस पर क्या किया, कृपा की। देखा, सोलोमन ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें मार रहा हूं और खत्म कर दूंगा और मार मूर के खत्म कर दिया, नहीं, सोलोमन ने कोशिश की अपनी टैक्टिक से कि वो भगवान के पास आ जाए। ये डिवोटी होते हैं, नॉन डिवोटी तो मारने पीटने में बिलीव करता है, डिवोटी सोचता है किसी भी तरह उसको हम भगवान के पास ले आए। तो शत्रु और मित्र के प्रति समान रहता है, सबके कल्याण के बारे में ही सोचता है वो एक डिवोटी। राम भगवान भी ऐसी थे, राम भगवान ने भी लक्ष्मण तो कहा था कि अगर रावण अभी भी आ जाए मैं उसको माफ कर दूंगा, और बल्कि राम भगवान ने विभीषण को रावण के बाद राजा बनाया है, नहीं, बल्कि रावण के मरने से पहले विभीषण का अभिषेक किया था। अब नॉर्मल राजा नहीं करेगा, वो तो कहेगा यार ये सारे एक ही खून के, क्या कहते हैं, एक ही खून के चट्टे बट्टे नहीं थैली के चट्टे बट्टे होते, एक ही सब राक्षस का खून ही है सब में, इन सबको ही मार दो। मगर राम ने ऐसा नहीं किया, राम ने विभीषण को राजा बनाया, क्योंकि जिससे वहां पे राक्षस लोग भी डिवोटी बन जाएं, यू सी, उनको द्वेष नहीं था। अगर द्वेष होता तो सबको खत्म कर देते वो, उनको द्वेष नहीं था, उन्होंने कहा ठीक है जो जो हमसे हमें मारने आ रहे उनको तो मारना ही पड़ेगा, बाकी लोगों का कसूर है। सीता मां भी ऐसी थी, जो सीता मां थी वो जो अशोक वाटिका में जितने सारे वो नहीं राक्षसी नहीं थी जो सबको पकड़ के रखा हुआ था, तो सीता मां ने कहा कि
जब राम जब सब मर गए और राम भगवान आ गए तो राम ने सब हनुमान मनुमान को कहा कि ये जितनी भी चुड़ैलें हैं सबको मार के आ जाओ, खत्म करो, सीता को लेके आओ। तो सीता ने कहा कि आप तुम मत मारो इनको, इनको मत मारो, स्पेशली जो जो मेन हेड थी, हाँ क्या थी उसका नाम, त्रिटिका, त्रिजटा, त्रिजटा थी और उसके फ्रेंड्स थे। तो सीता देवी ने कहा था कि तुम्हारा तुम्हें कुछ नहीं हो, तुम्हारी रक्षा करूंगी। और सीता ने वैसे भी कहा कि और भी इतने बंदी थे रावण के, अब सीता ने कहा कि अब इनको रिलीज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि हनुमान जी जब सीता देवी को लेने आए थे, जब जब पता करने आए थे हनुमान जी, तो हनुमान ने कहा सीता देवी को चलो मेरे साथ, मैं लेके चला चलता हूँ। तो वहां पे सीता देवी ने बहुत सारे रीजन दिए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहती, बट एक रीजन ये था, सीता देवी ने कहा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो राम भगवान यहां पे नहीं आएंगे, यहां पे नहीं आएंगे तो इतने सारे जीवात्मा को कल्याण कैसे होगा, राम के दर्शन कैसे होंगे, वो भक्त कैसे बनेंगे। उसी तो ये तो डिवोटी सोच सकता है, एक नॉन डिवोटी तो कहेगा अगर हम लोग होते अशोक वाटिका में, हनुमान जी आते चलो तो हम क्या कहते, अरे भैया जल्दी करो यार, कौन मरने वाला है यहां पर, हम तो ऐसे ही होते, अपने बारे में सोच रहे होते ना, अपने कल्याण के बारे में। सो भगवान कह रहे हैं ये डिवोटी में क्वालिटी होती है। सीता अपने आप को बचा सकती थी मगर उन्होंने नहीं बचाया, क्योंकि वो सबके कल्याण, दुश्मन के कल्याण के बारे में भी सोच रही है, समझे। इसको कहते हैं समानता, मित्र और शत्रु के लिए समान होता है। जनरली हम अपने मित्र पे कृपा करते हैं, दुश्मन पे कृपा नहीं करते। दुश्मन के लिए तो बद्दुआएं निकलती है हमारे हृदय से, वो मर जाए, उसका मुंह काला हो जाए, ऐसे ही सोचते रहते हम, वो जल जाए, ऐसे ही सोचती है माता जी, नहीं मुझे तो बोलती रहती है माता क्या है वो कलूटी, क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं पता नहीं, क्या वर्ड इस्तेमाल कर रही थी एक माता जी मुझसे, कह रही थी ऐसे ही कुछ कह रही थी, पता नहीं क्या डायलॉग क्या होता है बोलना, पता नहीं, कलमुई, हाँ कलमुई, सही बात है, यही है शब्द। एक भक्त के हृदय से कभी भी किसी के लिए बुरी, कहते हैं वो बद्दुआएं, कहते हैं बद्दुआएं नहीं निकल सकती, दैट्स अ डिवोटी। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में कौन है, भगवान है, नहीं इसलिए। एक ऑर्डिनरी आदमी तो ऐसे बिहेव करता है कुत्तों की तरह, जो उसके साथ हैं उससे खेलेगा, जो उससे एंटी है उसको भौंकेगा, यही है ना बस। सो दैट्स अ डिवोटी, भगवान की कृपा से उसका उस माइंड, बल्कि भगवान की कृपा से तो एक डिवोटी ऐसा होता है कि अगर 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 कोई उसके बिल्कुल एंटी भी चल रहा है, उसको कोई मारना भी चाहता है, उसके लिए भी वो प्रार्थना करता है भगवान से कि भगवान इसको सद्बुद्धि दीजिए, अपनी भक्ति में लगाइए, समझ लो। ये मुश्किल है करना, आसान नहीं है ये, क्या कहते हो, आसान है, इम्पॉसिबल है एक इम्पॉसिबल है, ऑर्डनरी डिवोटी के लिए करना इम्पॉसिबल है, भगवान बता रहे हैं एडवांस डिवोटी है, और उन्नत माना जाता है, इज वेरी एडवांस डिवोटी। और क्या कर रहा है वो, या शत्रु पुण्य और पापियों को भी समान भाव से देखता है वो, पुण्य आत्मा और पापी आत्मा को, उनको भी समान भाव से, ऐसा नहीं कि पापी लोग हैं और पुण्यवान लोग या अमीर और गरीब लोग, वो डिफरेंस नहीं रखता, वो चाहे पुण्य हो चाहे पापी हो सब पे कृपा करेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला था फूड फॉर ऑल, जब प्रभुपाद ने शुरू किया था ये प्रोजेक्ट तो वो फूड फॉर ऑल था, फूड फॉर लाइफ नहीं था बाय द वे, वो बाद में चेंज हुआ है फूड फॉर लाइफ, अभी फूड फॉर लाइफ चलता है ना इस्कॉन में, चलता है नहीं चलता है, वो प्रभुपाद ने नहीं किया था, प्रभुपाद ने फूड फॉर ऑल किया था कि भाई गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे उसकी लाइफ हो चाहे उसकी लाइफ नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको प्रसाद मिलना चाहिए, है नहीं। मगर बाद में धीरे धीरे लोगों ने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, फूड फॉर लाइफ, कि जो गरीब हैं और जो मरने वाले हैं जिनकी लाइफ अच्छी नहीं है उनको प्रसाद मिले, बट दैट्स अ रॉन्ग थिंग, सबको मिलना चाहिए, मतलब जितने जितने दुखी गरीब लोग हैं उतने दुखी अमीर भी हैं, क्योंकि बिना भक्ति के तो सभी दुखी हैं,
जिनके जीवन में भगवान नहीं है वो सुखी कभी भी नहीं हो सकता। दैट्स ऑल, सिंपल है, सिंपल लॉजिक है। वो हंस सकता है बाहर से मगर अंदर से दुखी होगा। ऐसे कहते हैं ना, स्माइल प्लीज नहीं कहते फोटोग्राफ में, स्माइल प्लीज क्या कहते हैं, चीज चीज चीज, इंग्लिश में चीज कहते हैं। आप पंजाबी में क्या कहते हो जब आप फोटो खींचनी होती है? दांत कटो। सॉल आर्टिफिशियल थिंग। सब पार्टीज में आते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, ये सब, और अंदर से कुड़ रहे होते हैं, जल रहे होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान। यही है ना लाइफ, यही है। कौन खुश है? कोई खुश नहीं है। जितना अमीर है उतना दुखी है, ऐसे ही है इंसान। तभी तो मैं बटाले में बता रहा था कि एक रिक्शा वाला कितना खुश है। मतलब वो दिल्ली में हुआ, रियूष और हम जा रहे थे, रवि प्रकाश, वो रिक्शा वाला लेटा हुआ था अपने मुंह पे कपड़ा डाल के। तो हमने कहा चलना है, अरे नहीं चलना। हमने कहा भाई ये क्या हुआ रिक्शा वाला। मतलब आप अगर बिजनेसमैन है, आप अपने कस्टमर को ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो कहोगे भाई कस्टमर चला जाएगा, उसको परवाह ही नहीं है। जा तू जा, मैं आराम करने दे। मतलब कितने आराम से बैठा होगा वो, है नहीं कि वो कस्टमर को लुटा सकता है। क्यों कह रहा हूं, दम उधर सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? सो जितनी कम चीजें हैं लाइफ में उतनी खुश हुआ, पता है? जितनी ज्यादा चीजें होती है ना उतनी दुखी होता है इंसान, वह ऐसे ही होता है। सो एक डिवोटी के लिए, चाहे कोई पापी हो चाहे पुण्य हो, डजंट मैटर, सबके सबको समान रूप से देखने का मतलब क्या है? अब इसमें क्या मतलब है? सेम मतलब है। क्या मतलब है? सब पे कृपा, समान रूप से देखना मतलब कृपा सब पे करता है, उस पर भी कृपा, इस पर भी कृपा। तो जितना पापियों को भक्ति की जरूरत है उतने पुण्य आत्मा को भी जरूरत है। बल्कि भक्ति की किसको ज्यादा जरूरत है, पुण्य या पापियों को? पुण्यवान, क्योंकि पापी तो आई जाते हैं, पिट पिट के आई जाएगा, वो पाप करेगा दुख मिलेगा, पिटेगा तो भगवान के पास ही आएगा। जो पुण्यवान होते हैं, जिनके लाइफ में दुख नहीं आते, जिनका पैसा भी है, सक्सेस भी है, सब कुछ है, वो भगवान के पास आना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। अहंकारी हो जाते हैं ना, उनको भगवान की जरूरत नहीं लगती, क्यों आए हम? तो उनको भक्ति देना ज्यादा जरूरी है, कृपा करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए और वो ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है नहीं, कि पापी के पास जाओगे वो तो आपके पैर छुएगा, संतों के मैं पापी हूं भाई मुझे कृपा। पुण्यवान आदमी का जाओगे वो क्यों पैर छुएगा, वो कहेगा ठीक है भी, मैं भी सही हूं, मैं भी सब कुछ सही चल रहा है, मैं भी दूसरों की मदद करता हूं, अब अपनी बीन बजाओ मैं अपनी बीन बजाऊंगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहां प्रीचिंग की? पापियों के बीच में, पापी तापी जता छीलो, और वो इजी प्रीचिंग थी। मुश्किल प्रीचिंग उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दी। नित्यानंद प्रभु को बोला कि तुम बंगाल में जाओ और अमीरों को प्रीचिंग करो। महाप्रभु ने कहा जो वे मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम कर पाओगे, दैट्स मोर डिफिकल्ट। सो इसलिए इंडिया में प्रीचिंग करना फिर भी थोड़ा आसान है, बाहर के देशों में प्रीचिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर के देशों में ऐशो आराम, सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा है, वो पूरे नास्तिक बन चुके हैं। सो डिवोटी पापी और पुण्यों के लिए समान है, सब पे कृपा करेगा, वो प्लान बनाता रहेगा कैसे लोग भगवान के पास आ पाए, वो डिफरेंस नहीं रखता उन सब में अंदर। सो पापी पुण्यों के लिए समान है, बुद्धि विशिष्यते, इस तरह से एक डिवोटी के लक्षण है। जिसका मन भगवान में लगा होता है उसमें सारे लक्षण अपने आप आ जाते हैं। दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग। और एनीवे इसके बाद तो थोड़ा चेंज हो रहा है टॉपिक, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, आई विल स्टॉप हियर, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, डन। वैसे इसके पिछले श्लोक में कृष्णा एक और चीज कह रहे हैं, समालोष्ट्र समकांचना, एक डिवोटी के लिए एक मिट्टी का ढेला और पैसे एक समान है। कितना मुश्किल है नहीं, बहुत मुश्किल है गृहस्थों के लिए तो इम्पॉसिबल, सपने में भी नहीं आप सोच सकते कि मिट्टी का ढेला और पैसे एक समान है। सुनने में ही आसान होता है, असली में जब करना होता है ना तो बट एक डिवोटी के लिए एक समान है।
एक समान का मतलब है कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऑफ कोर्स कि वो मिट्टी लॉकर में रख रहा है। एक समान है मतलब उसके उस अगर उस पैसे हैं तो भी ठीक है, पैसे नहीं है तो घबराता नहीं वो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पैसे से जीवन नहीं चलता। किससे चलता है? भगवान की कृपा से। ये तो इल्यूजन है कि पैसे हैं तो जीवन चल जाएगा। करोड़पति होते हैं मगर एक कौड़ी इस्तेमाल नहीं कर पाते अपने लिए, ऐसा भी होता है। एक तो नरसिंह नारायण प्रभु हमारे डिवोटी हैं, वो अपोलो में वो हैं, ही इज वर्किंग देयर। तो ये आपको पता है आपका जिंदल जिंदल ग्रुप्स वाले नहीं है, पता है जिंदल जो एक बड़े बड़े प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी स्टील वाले, तो उसका जो मालिक का बेटा या उसका मालिक ही कोई मेन जो ट्रस्टी था वो बीमार को कैंसर हो गया, तो वो अपोलो में एडमिट हुआ था। तो नरसिंह नारायण वो देख रहा था तो वो रो रहा था, वो कह रहा था प्लीज मुझे बचा लो, मतलब लास्ट स्टेज थी कैंसर की। तो कह रहा था मुझे एक सांस दे दो। कह रहा था कितने पैसे ले लो, कितने ही पैसे ले लो, जितने पैसे ले रहे हो मगर मेरा जीवन एक थोड़ा बचा लो। डॉक्टर ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। यू सी, सो डिवोटी तो कन्विंस्ड है ना कि ये तो सब मिट्टी का ढेला और पैसे इक्वली है, बस ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है, डजंट मैटर। धन आता जाता है, जो जो धन पे विश्वास रखता है वो इस संसार में दुख ही पाएगा आगे जाकर, देखना। इसलिए शास्त्र में लगे कभी भी धन आए तो दान कर दो, दे दो, क्योंकि धन कभी भी आपके पास रहेगा नहीं, देखना। लक्ष्मी क्या होती है? चंचला होती है। आप सोच रहे हो ना आप रख लोगे, पॉलिसी बना लोगे फ्यूचर के लिए, वो अगर किस्मत में नहीं होगा काम आएगा नहीं, आप देखना, आप देख लेना नहीं आएगा वो काम। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं थोड़ा सा तो रखते ही हैं इमरजेंसी के लिए, ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी ना रखें, बाकी दान कर देते हैं, बाकी भगवान की सेवा में लगा देते हैं, क्योंकि धन का असली इस्तेमाल वही है। सो दैट्स वॉट ये भगवान लक्षण बता रहे हैं। ओके okay, कुछ पूछना, कुछ कहना है? आप दीज आर डिफिकल्ट थिंग्स टू डू, मुश्किल है चीजें करना, मगर भगवान की भक्ति करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डजंट वेरी इजी। ओके क्या पूछना है, कुछ कहना है? आपने बताया कि महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा था कि बंगाली जाके वो खरीद लीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, वो तो भगवान है, अब वो तो उनको सेवा दे रहे थे ना, नित्यानंद प्रभु की ग्लोरीज भी बढ़ानी थी वो, इट वॉज अ डिफरेंट थिंग। नित्यानंद प्रभु स्ट्रैटेजी भी अलग थी। नित्यानंद प्रभु ने वे मैरिज भी की, बहुत बड़ा घर भी रखा, तब प्रीचिंग हुई, और महाप्रभु सन्यासी थे, वो तो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा मैं अलग आश्रम में हूं, समझे? ओके सो एनीथिंग यू हैव टू ऐड और स्पीक समथिंग? हो गया बस, ठीक है, आपको समझ आ गया ना सब कुछ? भगवान टेस्ट लेंगे फिर आपका, देखने के लिए कि कहां हो, शत्रु मित्र मान अपमान धन, इसमें टेस्ट लेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि वो टेस्ट भगवान इसलिए भी नहीं लेंगे क्योंकि भगवान को पता लगाना है, टेस्ट इसलिए लेंगे कि आपको पता लगाना है आप कहां हो, अपने लिए थोड़ा टेस्ट लेते हैं, वो तो आपके अंदर ही बैठे हैं, उनको पता ही आपके अंदर क्या चल रहा है, उनको पता ही, अगर आप बोलोगे मैं तो अटैच नहीं हूं धन से, भगवान तो अंदर बैठे हैं, भगवान को तो पता है ये तो पूरी तरह आ सकते हैं मगर इसको खुद ही नहीं पता आ सकते, तो क्या करें फिर? तब भगवान टेस्ट देंगे, और फिर टेस्ट में फिर अगर आप फेल हो गए तो आपको पता लगेगा यार मैं तो पूरा आ सकता हूं, तब फिर भगवान भक्तों को भेजेंगे कि इसको बताओ कैसे आ सकती हटानी है। तो इसलिए भगवान टेस्ट लेते हैं अपने भक्तों का, इसलिए नहीं कि उनको पता लगाना, इसलिए कि हमें पता लग जाए कि हम कहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें खुद ही नहीं पता लगता कि हम कहा है। एक डिवोटी को हम मैं ऐसी लेक्चर दे रहा था, तो एक डिवोटी तो कह रहा था ऐसी नया होगा पता नहीं क्या, कह रहा था ये तो बहुत आसान है, क्या फर्क पड़ता है, सब पे कृपा करनी है, खराबी क्या है तो कर लूंगा, शत्रु मित्र पे कृपा, पापी पुण्य को समान देखना, एक पैसे और मिट्टी के ढेले को समान देखना, ये तो ठीक है।
बट बड़े बड़े डिवोटी जब पैसा बीच में आते हैं तो एक दूसरे को नोच खाते हैं, समझे, लड़ाइयाँ हो जाती हैं पैसों के ऊपर। तो इसलिए इसलिए एक्चुअली एडवाइस भी होती है कि डिवोटीज एक साथ बिजनेस, पैसे की डीलिंग्स नहीं होनी चाहिए डिवोटीज के बीच में, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है ना, स्पेशली बिजनेस बिजनेस साथ में करोगे तो फिर लड़ाई होती है, डिवोटीज को साथ में नहीं करना चाहिए, समझे। एक डिवोटी मुझसे पूछ भी रहा था कि डिवोटी याद कर लूँ, मैंने कहा भाई मत ही करो, ये धन ऐसी चीज़ है कि लड़ाई करा देगी, फिर तुम्हारा बिजनेस भी गया और रिलेशनशिप भी गया डिवोटी से, होता है नहीं होता है, और ऐसा देखा गया है। सो या प्लीज चैंट हरे कृष्णा और आप ऐसे डिवोटी बन जाओगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।